G20 की बैठक को लेकर आज से विदेशी मेहमानों का आना शुरू हो जाएगा। इसको लेकर विशेष व्यवस्था की गई है। पटना के अशोक कन्वेंशन वही मेहमानों को 3 आलीशान होटलों में रहने की व्यवस्था की गई है। विदेशी मेहमानों का पटना में कई ऐतिहासिक स्थानों पर घूमने का कार्यक्रम है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से 1000 से अधिक पुलिसकर्मी और पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है और यह प्रतिनियुक्ति सम्राट कन्वेंशन सेंटर से लेकर सड़कों पर और सभी होटल के आसपास की गई है। वही बॉम्ब स्क्वाड डॉग स्क्वाड की टीम को तैनात रखा गया है। विशेष ट्रैफिक पुलिस की भी व्यवस्था की गई है और इसके साथ ही क्विक रिस्पांस टीम की व्यवस्था की गई है। तो बता दें आपको कि राजधानी पटना में G20 की बैठक होगी, जिसे लेकर आज से विदेशी मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। और आपको बता दें कि मेहमानों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। और संवाददाता मरगूब आलम इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मरगूब, मेहमानों के आने का सिलसिला आज से शुरू हो रहा है और इसके लिए खास इंतजाम किए गए हैं। होटल के बाहर और अंदर सुरक्षा के दृष्टिकोण से विशेष इंतजाम किए गए हैं। तस्वीरें दिखाइए मरगूब, और क्या जानकारी? देखिए रश्मि, निश्चित तौर पर सभी जो विदेशी मेहमान हैं उनके पटना आने का सिलसिला शुरू हो चुका है और पटना एयरपोर्ट पर विशेष स्वागत की भी तैयारी है। सुरक्षा के इंतजाम तो हैं, हम आपको नज़ारा दिखा देते हैं। देखें, यहाँ जो नृत्य के कलाकार हैं वो अभी नृत्य को लेकर के अब यहाँ बैठी हुई हैं। जैसे ही फ्लाइट लैंड कर जाएगी उसके बाद ये लोग यहाँ कह सकते हैं उनके स्वागत के लिए नृत्य करेंगी और नृत्य करने के बाद फिर उनका स्वागत होगा और फिर वहाँ से एस्कॉर्ट विशेष सुरक्षा। देखिए, सुरक्षा में CISF के जवान को भी लगाया गया है, बिहार पुलिस के जवान है, मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति है और विशेष सुरक्षा दस्ते के साथ ये लोग पटना से निकल करके विभिन्न होटल में इन लोगों को पहुंचाया जाएगा। ये लोग वहां जाने के बाद आज शाम में एक डेलीगेशन बिहार नया म्यूजियम जो बना है वहां उनका दौरा करेंगे और भव्य म्यूजियम को देखेंगे। कल 2 दिवसीय कार्यक्रम है, 22 और 23 को। 22 तारीख को जो कार्यक्रम है वो महामहिम राज्यपाल 10 बजे दिन में सम्राट अशोक कन्वेंशन हॉल में उद्घाटन करेंगे और कई मुद्दों पर बातचीत होगी। पर्यटन बिहार के साथ साथ नेशनल इंटरनेशनल के साथ साथ कई मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर बातचीत होगी। इसके साथ परसों की महत्वपूर्ण बैठक में भी कई VVIP शामिल होंगे और उसके बाद परसों शाम में कह सकते हैं कि प्रोग्राम का समापन हो जाएगा और 24 तारीख को सभी डेलीगेट जो विदेशी मेहमान हैं वो यहां से वापस चले जाएंगे। तैयारियां पूरी हैं, डेलीगेट्स का आना शुरू हो गया है, सभी सुरक्षा कर्मी के साथ साथ सभी बिल्कुल मरगूब। और इसके साथ ही अगर बात करें तो जैसी जानकारी है कि बम स्क्वाड डॉग स्क्वाड इन सभी को भी तैनात किया गया है, साथ ही क्विक रिस्पॉन्स की टीम भी तत्पर रहेगी। देखिए, लगभग 1000 से अधिक पुलिसकर्मी और मजिस्ट्रेट और पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। क्विक रिस्पांस टीम को रखा गया है एस्कॉर्ट्स के आगे कि कहीं कोई जाम ना लगे, जाम में कहीं कोई डेलीगेट विदेशी मेहमान नहीं फंसे, क्योंकि निश्चित तौर पर विदेश से हमारी धरती पर आ रहे हैं उनका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। दूसरा कह सकते हैं प्रत्येक होटल जो है जहाँ उनके ठहरने का व्यवस्था है वहाँ पूरी तरह से सुरक्षा घेरा बना दिया गया त्रिस्तरीय, उसमें डॉग स्क्वाड बॉम्ब स्क्वाड की टीम प्रत्येक स्थान पर 24/7 रहेगी। 3 दिनों तक उनकी नियुक्ति है। पटना एयरपोर्ट पर सख्त इंतजाम है और जब मेहमान निकलेंगे तब विशेष सुरक्षा के बीच यहां से वो लोग होटल के लिए रवाना होंगे। तो स्वागत की पूरी तैयारी, सुरक्षा की पूरी तैयारी और मेहमान स्वागत है हमारे बिहार के धरती पर आपका, और इसको लेकर के पूरी तैयारी सुरक्षा के बीच G20 का कार्यक्रम कल से शुरू हो जाएगा। रश्मि बिल्कुल मरगूब, और इसके साथ ही एयरपोर्ट पर इस वक्त क्या तैयारियां की गई है हम चाहेंगे कि आप कैमरे के माध्यम से वो भी दिखाइए। देखिए, एयरपोर्ट पर यहाँ हमने आपको उस समय दृश्य दिखाया था, उस समय नृत्य हो रहा था, क्योंकि अभी सभी जो कलाकार हैं वो नृत्य करने के बाद बैठ गई हैं और आने के बाद अब जैसे ही फ्लाइट लैंड करेगा वो लोग निकलेंगे, उससे पहले यहाँ फिर एक बार नृत्य का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, हारमोनिया बजेगा, लोक गीत का कार्यक्रम होगा और उनके भव्य स्वागत की तैयारी पटना एयरपोर्ट पर की गई है। तो रश्मि, थोड़ा इंतजार कीजिए, जैसे ही फ्लाइट लैंड करेगा और विदेशी मेहमान आने लगेंगे यहाँ भव्य स्वागत की तैयारी की गई है। हम उसका पूरा लाइव एक्सक्लूसिव कशिश न्यूज पर आपको दिखाएंगे अपने दर्शकों को।
बिल्कुल मरगूब, हम आपसे लगातार जुड़ते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और तस्वीरें साझा करने के लिए।